हेलो एवरीवन, आज हम आपके लिए बहुत ही खास वीडियो लेकर आए हैं जो आपके लिए बहुत उपयोगी होगा। आप देख सकते हैं हमारे पीछे चने का खेत है, इसमें चने की जो फसल थी तो हमने इसको कल एकत्रित कर लिया है और आज हम सुबह से इसमें ट्रैक्टर के द्वारा रोटर वेटर चला रहे हैं। आप देख सकते हैं ट्रैक्टर चल रहा है हमारा। ये हमारे चने की खेती है, इसमें हम ग्रीष्मकालीन औरदा मूँग की फसल लेंगी। इसके लिए हम अभी खेत की तैयारी कर रहे हैं। अभी हम थोड़ी देर बाद इसमें बोनी भी करेंगे, औरदा मूँग की बीज को उपचारित करेंगे, किस तरह करेंगे सारी जानकारी भी देंगे बोनी की। अभी आप देख सकते हैं हम खेत को किस तरह तैयार कर रहे हैं। देखिए किस तरह खेत है हमारे। चने की खेती हो गई है, कम से कम 124-125 दिन लग गए हैं इसको। कल पूरा चना हमने उठवा लिया है, आपने पिछले वीडियो में देख ही लिया होगा। और हम इसमें आप देख सकते हैं हमारी एमपी की काली मिट्टी है, तो दरार भी कितनी ज़्यादा आई है, पूरी ज़मीन फट चुकी है। आपने पूरे ए टू जेड वीडियो देख लिए हैं होंगे शायद चने की खेती के क्या क्या कार हुए हैं, और ये कार कंप्लीट हो गया है हमारा पूरा उठ के। और अभी हम आज सुबह से ही इसमें रोटर वेटर चला रहे हैं, जो हमारे पास जायरो वेटर है, और आप देख सकते हैं किस तरह से कार्य करता है। हम डिफरेंस दिखाते हैं आपको। ये बिल्कुल नॉर्मल खेत है और ये बिल्कुल जायरो वेटर वाला खेत है। लगभग 2.5 से 3 इंच मिट्टी को बिल्कुल भूरभुरा बना दिया है। इतनी शानदार परफॉर्मेंस है महिंद्रा 585 DI सरपंच की और जायरो वेटर की भी। आप वीडियो को पसंद आए तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। हम बहुत ही मेहनत से आपके लिए वीडियो बनाकर हर दिन तैयार करते हैं। परफॉर्मेंस देखिए आप ट्रैक्टर की। हमने इसको तो देखा दिया कितनी बिल्कुल बारीक कर दिया है, बिल्कुल काली मोटी मिट्टी है। हम अभी आपको ट्रैक्टर पर भी लेकर जाएंगे और हम भी ड्राइविंग करेंगे, अभी दिखाएंगे कि ट्रैक्टर कितना RPM ड्रॉप कर रहा है। अब देख सकते हैं अभी ट्रैक्टर की परफॉर्मेंस। ये हमारा जायरो वेटर है, 6 फीट का, 64 ब्लेड का है। पूरा बिल्कुल धूरा बना दिया है मिट्टी को। शानदार परफॉर्मेंस देखिए आप महिंद्रा 585 DI सरपंच मॉडल की। इससे बेस्ट ट्रैक्टर तो हमको कोई लगता ही नहीं है 50 HP की सैडी में। और ये हमारी गेहूं की फसल भी पककर तैयार होने वाली है, इसकी भी कटाई हार्वेस्टिंग का भी वीडियो लेकर आएंगे हम आपके लिए। इसी तरह अभी हम पूरा खेत कंप्लीट कर लेंगे और अभी हम भी ड्राइविंग करेंगे तो आपको दिखाएंगे कि कितना RPM ड्रॉपेज हो रहा है ट्रैक्टर में। नमस्कार किसान भाइयों, ग्रीष्मकालीन उर्दा की खेती अभी प्रारंभ हो चुकी है हमारी। आप देख सकते हैं चने का खेत है, इसमें हमने रोटर वेटर चला दिया है डायरेक्ट और अभी हम बोनी स्टार्ट कर दी है। उड़द की हमने इसका बीज उपचार भी कर दिया है और एक साइड से हमारा ये नहर से पानी भी आने लगा है, देख सकते हैं आप। ये 3 HP की मोटर से पानी आने लगा है और अभी इतना बोकर हो गया है। हमारे ट्रैक्टर आ रही है, हम अभी 14 किलो बीज बो रहे हैं, लगभग 13 से 14 किलो होगा। अभी दिखाएंगे कि आप कितना बीज कितनी जगह में गया है। दोस्तों ये देखिए अभी बोनी चल रही है हमारे खेत में और हमने इसमें जायरो वेटर चला है बिल्कुल लो वन पर, फिर अब बारीक हो गया है। इसका वीडियो भी आपको देखने को मिलेगा, जिस तरीके से खेत की तैयारी की है। देखिए बोनी चल रही है, ये हमारे महिंद्रा 585 DI सरपंच है, 50 HP, और ये हमारी 11 टाइम्स की सेडल है। देखिए दाना किस तरीके से गिर रहा है, बढ़िया तरीके से, और पीछे पेंटा चल रहा है जैसे दाना वगैरह पुर जाएँ अच्छे से। हमने ऐसे आड़े में रोटर वेटर चलाया था और ऐसे खड़े में बोनी कर रहे हैं, जैसे कटाई में पानी देने में और दवा वगैरह स्प्रे करने में दिक्कत ना जाए करके। आप देख सकते हैं यह गेहूं अभी हमने आज कटवा लिया है, अब इसका भी खेत तैयार कर लेंगे कल, फिर इसमें भी औरदा और मूंग की दोनों की फसल लेंगे। चने की फसल भी अच्छी निकली है इस बार, हमने लगभग 70 किलो बीज बोया था और इसका भी वीडियो बहुत जल्द आने वाला है कि कितना उत्पादन निकला है। अभी हम थ्रेशर मशीन से उसकी कहानी करेंगे, फिर कितने क्विंटल प्रति एकड़ का उत्पादन मिला है वो भी दिखाएंगे, और औरदा मूंग की सारी जानकारी के वीडियो हम आपके लिए समय समय पर लाते रहेंगे।
किस दवा का स्प्रे किए हैं, किस कैसे खाद मिलाए हैं। हमने इसमें बीज उपचार कर लिया है और DAP का उपयोग किया है। लगभग 25 किलो DAP का उपयोग किया है। अभी देखिए बीज गिर ही रहा है अच्छी तरीके से। इस तरह से बोनी की जाती है हमारे MP सिमनी में। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कमेंट और सब्सक्राइब कीजिए। सारे काम एक साथ ही चल रहे हैं, बोनी भी हो गई, रोटर वेटर भी हो गया, सुबह कर रहे थे हमने इसमें और अभी बोनी कर रहे हैं। और अभी ये देख सकते हैं पानी भी चालू हो गया हमारा 3 HP की मोटर से। ये भी कल तक बक्के हो जाएगा लगभग, फिर हम ये खेत को भी तैयार कर लेंगे कल सुबह, फिर इसमें भी बोनी करेंगे। इसी तरह की शानदार जानकारी हम आपके लिए लाते रहेंगे। आप देखते रहिए एम्पीरियल फार्मिंग यूट्यूब चैनल। लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।